नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोलते सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं टोंक जिले की ओर। जी हां, टोंक जिले के निवाई में अंजुम कायल ने ड्यूटी पर तैनात लोगों को मास्क वितरण किए। टोंक में कोरोना से जंग में डॉक्टरों के साथ पुलिसकर्मी भी जी जान से लगे हुए हैं। अपने परिवार से दूर रहकर पुलिस स्टाफ घंटों सड़क पर लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। निवाई पुलिस उपाधीक्षक अंजुम कायल ने स्टाफ की सुरक्षा के लिए रविवार को मास्क वितरण किया। निवाई डिप्टी कायल के जज्बे को देखकर सब पुलिस प्रशासन को सलाम कर रहे हैं। निवाई पुलिस उपाधीक्षक अंजुम कायल ने पुलिसकर्मियों को कहा कि कोरोना वायरस से बचाव केवल सावधानी बरतने से ही हो सकता है। सभी को अपने अपने बचाव का ध्यान रखना होगा। इसी विषय को ध्यान में रखकर स्टाफ को मास्क का वितरण किया गया। वहीं टोंक में भ्रामक संदेश फैलाने वालों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोंक के कोतवाली थाना के बावड़ी कसाईयों के मोहल्ले क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर हमले के प्रकरण में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसको लेकर शहर में कई तरह के भ्रामक संदेश भी फैलाए जा रहे हैं। इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने लोगों से अपील की है कि किसी भी भ्रामक संदेश के बहकावे में ना आए। अगर कोई गलत संदेश फैलाता मिलता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक आदर्श सिंधु ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी सभी बालिग हैं। सभी आरोपियों की आयु 18 वर्ष से अधिक है। साथ ही SP आदर्श सिंधु ने आमजन से अपील की है कि उक्त प्रकरण के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक संदेश ना फैलाएं। मैं आदर्श सिंधु SP टोंक टोंक वासियों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि गत दिनों में कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर जो हमला हुआ उसमें 15 नामजद आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। ये समस्त आरोपी बालिग हैं, 18 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है। इनकी उम्र के संबंध में भ्रामक मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं, उन पर गौर ना करें। और जो ये मैसेजेस फैला रहे हैं उन पर मैं बता रहा हूँ कि सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।